बैक टू माई चैनल। तो आज मैं जा रहा हूँ एक नाइट राइड के लिए जो कि होने वाली है कोलाबा साइड में, एंड वी आर अराउंड 10 to 12 पीपल। तो हम तो नाइट राइड के लिए जा रहे हैं और अभी मैं रेडी हो चुका हूँ। अभी कुछ बज रहे 10:40, तो मैंने अपने सारे गियर्स और इक्विपमेंट्स ले लिए जो भी मुझे लगेंगे वीडियो शूट करने के लिए, एंड लेट्स गो गाइस। सो गाइस, मैं निकल चुका अभी घर से एंड मैंने अपना स्टारवा ऐप ऑन नहीं किया है, तो मैं पहले वो कर देता हूँ। तो यह रिकॉर्ड बटन मेरा, लोकेशन लिख लिया है स्टार्ट, मेरी साइकिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। वैसे मैं साइकिल में थोड़ी सी हवा कम लग रही है मेरे को, शायद से 35 किलोमीटर्स होगा टोटल। पहले तो मीटर पॉइंट पे आ गए, हमारा मीटर पॉइंट है जेबी नगर मेट्रो स्टेशन। लेट्स सी गाइस देन। सो गाइस, वी हैव रीच्ड टू आवर स्टार्टिंग पॉइंट। तो मेरे साथ यहाँ पे और 9 राइडर्स हैं मेरे साथ, तो अभी यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे एंड देखते हैं अपना स्टॉप कहाँ होता है फर्स्ट स्टॉप। तो लेट्स सी गाइस, स्टिक टू आवर लेफ्ट, सिंगल डबल इज फाइन, डोंट मेक अ लाइन ऑफ 5 ऑफ देम और 6 ऑफ देम, नो ईयरफोन्स व्हाइल राइडिंग प्लीज। प्रियांश, नो ईयरफोन्स व्हाइल राइडिंग। तो वी हैव स्टार्टेड अ राइड, तो चलो देखते हैं फर्स्ट स्टॉप कहाँ होने वाला है अपना। So guys, we have just reached Mahim. Yo. Guys, हम लोग फोटो वोटो खींच के हो चुका है, 11 किलोमीटर्स। तो देखते हैं अभी आगे जाके कैसे होने वाला है, देखेंगे आगे, टी ब्रेक लेंगे हम लोग। फिलहाल तो यहाँ पे कोई मिला नहीं हम लोग को, लेट्स सी गाइस देन। सो गाइस, वी हैव रीच दादा राइट नाउ। तो अभी हम लोग एक फ़ोटो खींचने के लिए रुके हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे पूरे कंदिल लाइन से लगे हुए हैं एंड उन्होंने चालू किया हम लोग को देख के बाद में, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फोटोज क्लिक कर रहे थे। लेट्स एंजॉय द सिनेमैटिक वीडियो राइट नाउ। और जा रोड पे सब झगड़े कर रहे हैं फोटोज खींचने के लिए यहाँ पे। अरे ये लाइट ले लो। अभी तक तो हम लोग के कुछ 14 किलोमीटर हो चुके हैं, लाइटों पर अच्छी चल रही है, लेट्स सी गाइस। तो वैसे हमने यहाँ पे 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, देख सकते हो आपने इन्होंने लाइट बंद कर दी है अभी। तो फोटोज खींचने के लिए उन्होंने लाइट ऑन किया था, तो अब एक एक करके हम निकल रहे हैं, लेट्स सी आगे राइड कैसे होगा एंड चलो लेट्स कंटिन्यू द राइड। सो गाइस, 1:12 राइट नाउ और हम लोग अभी भाईखला पहुँचे एंड आई हैव कम्प्लीटेड 22 किलोमीटर्स। तो हमने 12 बजे स्टार्ट किया था, तो 1 घंटा 10 मिनट में हमने कुछ 22 किलोमीटर्स कम्प्लीट किए, तो अच्छी स्पीड है फिलहाल तो हमारी। सारे अपने अपने फ़ोटोज़ खींच रहे हैं अभी, आप देख सकते हो। फिलहाल तो मैंने अपना गोरिल्ला पॉड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं हाथ पे से रखा मैंने अपना GoPro, बिकॉज बैग में मेरे और मैंने चेस्ट पाउंड लगाया हुआ है। तो देखते हैं गाइस कैसे वीडियो आ रही है अभी, ये नाइट में शूट कर रहा हूँ, मेरे को पता नहीं प्रॉपर मेरे फेस पे लाइट आ रही कि नहीं अभी, यहाँ पे शायद लाइट आ रही होगी। हेलो गाइस, सो इट्स 2:30 नाइट ना और हम लोग अभी CST पहुँच चुके हैं। आपके बैक साइड ही CST स्टेशन है जो कि लाइट्स ऑन है, बट बहुत कम लाइट है यहाँ पर। मैं 1.5 साल पहले जब आया था यहाँ पर बहुत सारी लाइट ऑन थी तभी, बट तभी मैं इतने लेट नहीं आया था, मैं कुछ 10 बजे के आसपास आया था रात को एंड इट्स 2:13 राइट नाउ। और ये रहा मेरे पीछे, आप देख सकते होगे, ये रहा CST स्टेशन, थोड़े बहुत लाइट्स ऑन है अभी यहाँ पर मेलविन। हेलो। तो ये देख सकते हो यहाँ पे
पूरा खाली है अभी फिलहाल तो, पर लाइट्स थोड़ी सी ऑन है, यहाँ की मिडिल की लाइट बंद है अभी। अरे राजेश भाई मेरे को फोटो खींचने के लिए बुलाते हुए, बैठ रहा बैठ रहा हूँ। सो आई जस्ट रीच एशियाटिक लाइब्रेरी राइट नाउ। मैं यहाँ पे सेकेंड टाइम आया हूँ। पहली बार जब मैंने नाइट फोटोग्राफी का जब वीडियो डाला था वो तब करने के लिए मैं यहाँ आया था, अब मैं साइकिलिंग करने आया हूँ। एंड इट्स 2:40 राइट नाउ और हम लोग ने कुछ 31 किलोमीटर्स कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक। एंड यहाँ पे लाइट अभी फ़िलहाल बहुत कम हो चुकी है। लास्ट टाइम जब मैं आया था यहाँ पर बहुत सारी लाइट्स ऑन थी, अभी सब बंद है, पूरी रोड खाली है अभी तो। एंड वी हेडिंग टूवर्ड्स गेटवे, तो पहुँच के मैं आपको बताता हूँ। तब यहाँ पे थोड़े फोटोज खींचते हैं हम लोग एंड मिलता हूँ आपको बाद में। वी कंप्लीटेड 33 किलोमीटर्स राइट नाउ, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स गेटवे। तो गाइस सो फाइनली वी हैव रीच्ड गेटवे, ये रहा गेटवे ये साइड एंड ये रहा ताज पैलेस। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत फिलहाल तो अंधेरा है बट पानी से बहुत डर लगता है मुझे, यहाँ से पास में देखने भी डर लग रहा है, पता नहीं क्यों। एवरीवन इज हैविंग टी ब्रेक, 3:15 हो रहा है और हम लोग पहुँच गए अभी, थक तो कुछ लगी नहीं है। एंड वी हैव कम्प्लीटेड अराउंड 32 किलोमीटर्स। फिलहाल तो बहुत अंधेरा है, गेटवे दिख रहा नहीं आपको प्रॉपरली। अगर हम लोग थोड़ा देर और रुक रहे तो शायद मैं आपको दिखा पाऊँगा वहाँ का फुटेज, एंड इफ़ यू आर लीविंग देन आगे का दिखाना पड़ेगा आपको। हेलो गाइस, तो अभी बज रहे कुछ 3:36 एंड वी आर लीविंग फ्रॉम गेटवे। यहाँ का शॉट्स मुझे मिलेगा नहीं कि बिकॉज अभी हम लोग को मरीलाइंस भी पहुँचना है, वहाँ पे भी हॉल्ट लेना है और 6 बजे तक हम लोग को मरोल पहुँचना है अंधेरी, इसलिए वी आर लीविंग राइट नाउ। सो गाइस वी हैव रीच वाली राइट नाउ, अभी कुछ 5:11 हो रहे और अभी हमने थोड़ा ब्रेक लिया यहाँ पे। वी हैव कम्प्लीटेड 47 किलोमीटर्स राइट नाउ। बहुत डार्क है उस साइड से, मैं ये साइड आके वीडियो बना रहा हूँ, सब थक चुके हैं। वो मैं आऊँ? सब 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 चैनल को बुलाया, सोनी को नहीं बुलाया। विनय बीच हे गाइस, सो वी हैव जस्ट रीच्ड सांता क्रूज। वन शॉट किया हम लोग ने, कहीं पे भी हॉल्ट नहीं लिया हम लोग ने, थोड़े थक चुके हैं, थोड़े थक चुके हम लोग। इट्स 6:33 राइट नाउ। एंथनी सर कुछ बोल रहे हैं, क्या हुआ एंथनी सर बोलो। मेरा नाम आना चाहिए हर एक वीडियो में। राइड इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एंथनी। या बिग थम्स अप टू एंथनी सर। इट्स 6:33 राइट नाउ और हम लोगों ने अभी टोटल 61 किलोमीटर हो चुके हैं अभी तक। 10 मिनट का ब्रेक लिया हम लोग ने। अरे हरप्रीत जी सुनिए, हरप्रीत जी कमिंग, हरप्रीत जी तक की। एक तो मेरी गियरलेस साइकिल है पर फिर भी चलता है, मुझे लगता है गियर से कुछ फ़र्क पड़ता होगा, खाली जब क्लाइम है तब थोड़ा सा होता है, पर फिर भी गियरलेस साइकिल ठीक है। मेन इस आपको हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है, अगर आप साइकिलिंग कर रहे हो हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एंड चलो फिर देखते हैं गाइस, अभी देख के हम घर पे आएंगे।